global advertisers, scaling new heights in outdoor media. PSTF ने फिल्म स्टार अजय देवगन के नाम पर 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में पूर्व मिस जम्मू भोजपुरी अभिनेत्री अनारा गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मामले में खुद फर्जीवाड़ा के आरोप पर शनिवार को मीडिया से बात करते हुए रो पड़ी अनारा गुप्ता, साथ ही उनके बॉयफ्रेंड करण सिंह प्रिंस भी मौजूद रहे। अनारा गुप्ता का कहना था कि आरोप बिल्कुल ही गलत है और क्या कुछ बताते नजर आई इस मामले पर, देखें इस खास रिपोर्ट में। 200 करोड़ की ठगी की होती तो मैं भी यहाँ नहीं बैठी होती, किसी विदेश चली गई होती 200 करोड़ लेके। मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर थी एज ए डायरेक्टर, जो एंटरटेनमेंट सेक्टर में होता है, जो सेलिब्रिटीज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रमोट करती हैं और उसके लिए उनको महीने का कुछ जो भी उनका तय होता है वो मिलता है मंथली बेसिस पे। मेरा वैसा ही था एम्प्री मीडिया और एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मैं उनकी डायरेक्टर थी, हूँ नहीं, मैं अगस्त में ही रिज़ाइन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं उनकी सिर्फ जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ में ही पार्ट लेती थी। मैं किसी भी जगह, मेरा उनके भी 2-2.5 महीने से कहीं आना जाना नहीं है मेरा से, जो प्रमोशन कंपनी को प्रमोट कर रही थी मैं सिर्फ। कंपनी में कहीं भी मेरे लीगल सिग्नेचर्स या कंपनी में मेरा कहीं भी कोई परसेंटेज कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ मंथली बेसिस, कोई जानकारी नहीं है अभी तक क्या केस हुआ है। कंपनी पे ज़रूर केस हुआ है, उसी आधार पे मैंने देखा कि आज सुबह से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है और ये देने का इसलिए मकसद है मेरा एक्चुअली कि लोगों को पता चले कि मैं इस कंपनी के साथ कहीं भी उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे कहीं भी मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक ब्रांड हूँ कंपनी का और एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो काम होता है एक एक्ट्रेस का वो किया है मैंने। कंपनी कहाँ किसके साथ क्या इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ से क्या पैसा ले रही है, उसके बारे में मुझे कोई भी जानते हैं कि आप आए उस कंपनी में तो उस कंपनी की ब्रांडिंग थोड़ी और बढ़ेगी। तो आई स्टिल रिमेम्बर अनारा ने पूछा कि क्या है कंपनी, तो उन्होंने कहा एक ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टर से पैसे लेके फिल्मों में इन्वेस्ट करती है। तो वहाँ मैं भी था, मुझे अच्छे से याद है, कुछ और भी लोग थे सीसीडी में, वो मीटिंग हुई थी सीसीडी में और अनारा ने कहा ठीक है। फिर अनारा लखनऊ गई, उनका एक अग्रीमेंट हुआ, एक मंथली डिसाइड हुआ। डिसाइड होने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने ऐसी की जैसे फैशन शो करने लगे जिसमें मैं था, मेरी मॉम गई थी, अनारा गई थी, हम लोग के साथ, क्योंकि अनारा ने आज तक कभी इंडिविजुअल काम नहीं किया है, वो सबको लेकर चलती है, हम लोग की पूरी फैमिली एक साथ काम करती है। काफ़ी लोग गए थे, इंडस्ट्री के और भी आर्टिस्ट गए थे, लेकिन हालांकि जितना मुझे नॉलेज है या जितना मुझे पता है कि जैसे केस किया, अब आदमी को जब थोड़ा सा लगता है ना तो वो इतना बताता है। उसी तरह कुछ लोग हैं जलन में, जैसे इस कंपनी की एक और डायरेक्टर है जिन्होंने इसके पहले एलिगेशंस लगाए हुए थे कंपनी में, जिस वजह से अनारा ने फिर छोड़ दिया। अनारा ने कहा यार मुझे कॉन्ट्रोवर्सी या ये खराब चीज़ें नहीं चाहिए, मैं क्लीन चीट कंपनी के साथ रहना पसंद करूंगी। और अनारा ने वो कंपनी को रिज़ाइन दे दिया, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट की जो साइट्स है जिसमें डायरेक्टरशिप के बारे में बताया जाता है किसी भी कंपनी के बारे में, उस कंपनी में अपडेट किया जिसमें साफ साफ लिखा है कि अर्पिता माली जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, अर्पिता माली जो इस चीज़ को अनारा की न्यूज़ को फेसबुक में काफ़ी स्प्रेड करी, आई डोंट नो वो इशी या क्या चाह रही है वो, खैर एक लड़की हो के लड़की की इज्जत नहीं कर पा रही है, बट उस लड़की ने इस चीज़ को बहुत हाइप दे दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका पर्सनल इंटेंशन क्या है इस चीज़ में, लेकिन आप सबको मैं बताऊं तो अगर आप गूगल करेंगे तो अर्पिता माली डायरेक्टर है इस कंपनी की, अनारा रिज़ाइन कर चुकी है, वो स्टिल डायरेक्टर है। तो उसे शायद लग रहा होगा कि डायरेक्टर्स पकड़े जाएंगे तो पहले वो जाके सर्च करे कि डायरेक्टर कौन है, ना कि अनारा। रही बात 200 करोड़ की, अभी मैम ने पूछा था 200 करोड़ का सिलसिला ये है, अगर 200 करोड़ ले लिया होता या अनारा के पास होते तो डेफिनेटली अनारा शायद मीडिया के सामने नहीं आती। अनारा को काफ़ी दुख हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे से नाम कमाया, इतने चाहने वाले लोग हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके सामने ऐसी छवि। तो हम लोग कल ही बाहर थे, कल आज सुबह ही पहुँचे, पहुँचने के बाद न्यूज़पेपर में पढ़ा और डेफिनेटली ऐसा कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो घर का माहौल चेंज होता है। करना दिन है, दूसरे दिन, तीसरे दिन एक लड़की की इज्जत उछालने में लोगों का मुंह बिल्कुल बंद नहीं होता है। मैं बताऊँ 80% लोग अच्छे तो 20% लोग बुरे हैं यार, और स्पेशली एक ऐसी सेलिब्रिटी जो पहले भी मुश्किलों से सामने आई, फिर बहुत मेहनत किया, एक मुकाम पाया एक इंडस्ट्री में, जम्मू से आई है, भोजपुरी की स्टार बनी, उसके बाद उन्होंने अपने ही स्टेट की कंपनी को
बढ़ावा दिया, इन्होंने काफी मूवियों में पैसा भी लगाया है एम्परर ने, मेरे हिसाब से उन लोग काफी मूवियों में पैसा लगाया है और मैं भी काफी इसमें गया हूँ, हम लोग के कुछ इवेंट्स होते थे उसमें भी उन्होंने स्पॉन्सर्स दिए हैं, तो किया तो है काम, बट मुझे नहीं पता उनकी कुछ आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है या उनकी सोचबूझ से हुआ है या किसी ने कराया है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है, मुझे लगता है मुश्किल से 15 दिन में जो भी ये सब सामने आ जाएगा और 200 करोड़ का भी खुलासा हो जाएगा। बाकी मेरा अकाउंट डिटेल्स दे देती हूँ, उसको चेक कर लीजिए कितना उसमें 200 करोड़ है। मुझे कोई कॉल्स नहीं आए हैं किसी भी ऑफिशियल पर्सन का, मुझे जो भी कॉल आई है मेरे मीडिया लोगों से आई है, मेरी इंडस्ट्री के लोगों से आई है जो एक्चुअली मुझे बहुत प्यार करते हैं। I am strong. I don't understand कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि मैंने कभी भी जो भी चीज की है अगर कंपनी के लिए तो वो सब खुलेआम की है। अगर मैंने किसी इवेंट के लिए भी गई हूँ तो सबके सामने गई हूँ, कुछ भी अपडेट किया है मैंने, अगर कुछ भी गलत करती अगर मैं तो मैं ऑफकोर्स मीडिया के सामने या अपने सोशल साइट पे वो सब चीज़ें नहीं डालती कि भाई लोगों को पता चले कि भाई मैं ऐसी इस तरह की कंपनी के साथ कनेक्टेड हूँ। सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर थी, मेरा काम था कंपनी को बढ़ावा देना, मैं उसके लिए मुझे सैलरी मिलती थी, मैंने वो काम किया है। बाकी कंपनी क्या तरीके से पैसा लाती है क्या नहीं लाती है मुझे उसके बारे में ना तो कोई आइडिया है और ना मैंने कभी इन्वॉल्वमेंट किया, क्योंकि वो मेरा पार्ट ही नहीं है, वो मेरा पार्ट ही नहीं था उस कंपनी में। अभी वो आएंगे, डिपेंड एक्शन पे, हम लोग के पास अभी तक FIR कॉपीज नहीं आई है क्योंकि अभी तक अनारा को कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है, कोई भी ऐसे ऑफिशियल्स कॉल नहीं आए हैं। वी आल्सो वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि हम लोगों ने अगर इनलीगल नहीं किया है तो अनारा ने बोला है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, करण अनारा के फोन ऑन है, बाकी के जितने डायरेक्टर्स हैं सबने फोन बंद कर दिए, कहाँ गए हैं क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, तो अनारा ने कहा मैं नहीं भागूंगी क्योंकि मैं ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर मैं क्यों डरूं। इसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि जो भी एक्शंस ले रही है गवर्नमेंट बेसिकली वो सही लोगों पे ले, ना कि गलत लोगों का नाम उछलवाए मीडिया में, क्योंकि मीडिया की जो प्रेस नोट गई है वो बहुत गलत है। कल मतलब बीइंग ए एक्ट्रेस आप कुछ भी नहीं छाप सकते किसी के नाम पे जस्ट टू सेल योर न्यूज, क्योंकि आई नो जर्नलिज्म को हम बहुत बढ़ावा देते हैं और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ सब पेपर्स का, जर्नलिज्म का, कि मुझे बनाने वाले ये मीडिया ही है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर टाइम। जब मैं उस टाइम निकल के आई थी तब तो मीडिया ने ही बहुत सपोर्ट किया था, तो मुझे लगता है आज भी ये प्रेस रखने का इसलिए मकसद था कि आज भी मीडिया ही मुझे सपोर्ट करेगी सच सामने लाने के लिए, ये लोगों तक जाए और लोगों को पता चले कि जो सही लोग कनेक्टेड हैं कंपनी से, जो मेन डायरेक्टर्स हैं या जिनके पास फाइनेंस की सब चीज़ें हैं, प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करें, उनका नाम लेके आए मार्केट में, ना कि एक लड़की का जिसका फेस वैल्यू जिसका नाम ऑलरेडी मार्केट में है उसके नाम पे न्यूज़ बना के सेल करके। मेरे वीडियोस होंगे फॉर श्योर, लेकिन उस वीडियोस में मैंने कहीं ये नहीं बोला है कि भाई आइए आप इस कंपनी में आके पैसा लगाइए, हमें आपके पैसे की ज़रूरत है, मैंने कभी भी नहीं बोला है। जो भी मैंने वीडियोज़ भी दिए होंगे वो कंपनी को सिर्फ प्रमोट करने के लिए वीडियो दिया है, कभी भी किसके नाम पर पैसा उठाने के लिए कभी भी कोई वीडियो नहीं दिया है। पर्सनल